वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एनपी ट्यूटोरियल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, इन सभी क्वेश्चंस में से हमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। यू नो कोएफिशिएंट, आई हैव टॉट इन माय इंट्रोडक्शन क्लास दैट न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का न्यूमेरिकल फैक्टर को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ओके, कोई भी नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अंडरस्टूड द? सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर कौन है। ये एक्स स्क्वायर इज दिस। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन से नंबर से? देन वन, सिर्फ वन है, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय वन। सो वी विल राइट ऑन हियर आंसर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। क्या है? वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाइड है। अंडरस्टूड? हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाइड है। ओके, सो रिटर्न करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस वन हो गया। ओके, नाउ हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, थर्ड में देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है, ओके कॉन्स्टेंट है, ओके नंबर है जो पाई से, सॉरी जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। तो आपने देखा पाई बाय टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, मीन्स एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या है यहाँ पे? पाई बाय टू। सो वी विल राइट ऑन हियर आंसर थर्ड। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय टू। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय टू। अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज रूट टू एक्स माइनस वन। यहां हमारा, अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है वेरिएबल जो जिसके पावर टू है, मीन्स एक्स स्क्वायर है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले कोई है ही नहीं, सो कोएफिशिएंट इज जीरो। जब है ही नहीं तो क्या होगा? आंसर विल बी जीरो। आंसर क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके पावर, उसके भी कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट वन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जांपल देने हैं, ओके, बायनोमियल की। ओके, बायनोमियल मींस, बाय मींस टू, बायनोमियल मींस पॉलीनोमियल हैविंग पावर, हैविंग टू टर्म। तो दो टर्म वाले ऐसे पॉलीनोमियल लिखने हैं जिसके क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। ओके, सो वी विल राइट ऑन हियर आंसर बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 डिग्री वाले बायनोमियल को एग्जांपल हमें देने हैं। सो वी विल गिव हियर, हम देते हैं 2x टू पावर 35 + 5। ये बायनोमियल भी हो गए, दो टर्म्स भी हो गए, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई? दैट इज 35। सो ये बायनोमियल है जिसकी पावर क्या है? 35। सो वी हैव डन बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। डन, एनी प्रॉब्लम? अब हम करेंगे नेक्स्ट इज टेलिंग अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल की भी एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। सो वी विल राइट ऑन हियर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब कुछ भी कर दो इसे, यू कैन राइट ऑन हियर 4x टू पावर 100, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक मोनोमियल है, एक टर्म वाले है, और पावर कितनी है? 100। और भी एग्जांपल दे सकते हो इसके, 5y टू पावर 100। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो इट्स टू इजी, बहुत इजी है क्वेश्चन। चैप्टर टू एक्चुअली बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो इजी है ही। कंप्लीटली दिस एक्सरसाइज इज वेरी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट ऑन इट। Okay, so I'll meet you in my next video with next question. Till then, bye.